गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे करंट अफेयर ऑफ 30 अगस्त 2022। तो करते हैं स्टार्ट। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला ने पदभार संभाला है। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथाई चनबम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नागालैंड को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने ब्लॉक नोट्स के साथ समझौता किया। हाल ही में नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिकरिंग लैम्प स्थापित करने की घोषणा की। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार करीम बेंजेमा व एलेक्सिया पुटेलस ने जीता। फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। SEBI के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में AN गोपाल कृष्ण को चुना गया। SBI अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। मणिपुर में सुमंग लीला महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री मुंजपारा ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया। डेबिट कार्ड बाजार में SBI शीर्ष पर रहा। आंध्र प्रदेश ने पार्ले फॉर दी ओशियन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। खेल मंत्रालय ने मीट दी चैंपियन पहल का आयोजन किया। मोहम्मद अजहर मुक्केबाज ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियन का खिताब जीता। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।